24 घंटा दिन और आई गेल कौनो खबरिया ना मिले भैया। तो जी रोइए मत, देखिए हम लोग तो यही चाहेंगे इसलिए आए हैं कि आप यही सोए थे हम लोग, मालूम नहीं कब चलेंगे उठ के। पुलिस वुलिस नहीं अभी आई आप लोग? कुछ नहीं आई अभी तक, कल दरखास्त दिया है, कोई नहीं है। इस वक्त मौजूद हैं हम अम्बेडकर नगर के जैतपुर थाना के निवादा कला गांव में। आपको तमाम सारी ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, देखने को मिल रही है कि बच्चा चोर घूम रहे हैं। अलग अलग अफवाहें हैं लेकिन कहीं ना कहीं सच भी कुछ मिलने को देखने को मिल रहा है। जैसे कि मुंगराबाद शाहपुर थाने की एक घटना है, 11 माह का बच्चा गायब हो गया। 11 माह का वो जो बच्चा गायब हुआ वो तो खुद जा नहीं सकता, उसको गायब किया गया है। ये वो सच्ची घटना है लेकिन कहीं अफवाहें भी तमाम चल रही हैं। लेकिन मैं एक परिवार के पास और भी मौजूद हूँ जहाँ से एक बच्चा तकरीबन सुबह में 3-4 बजे यहाँ से घर से उठकर चला गया और अभी तक आया नहीं। परिवार के लोग परेशान हैं, थाने में तहरीर दिए हैं और परिवार का क्या हाल हो चुका है, चलिए मैं उस माँ से बात करूँगा और लोगों से ये अपील करूँगा कि आप लोग जहाँ कहीं भी इस बच्चे को अगर देखें तो सूचना दें। मैं उस बच्चे का फ़ोटो आपको दूँगा वीडियो में, आप लोग देख कर कहीं भी आपको अगर पता चलेगा, और मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा इस परिवार का, आप लोगों को अगर कहीं भी पता चलेगा तो आप लोग बताइएगा। लेकिन सबसे पहले मैं उस माँ से मिलूंगा कि आखिर वो बच्चा गायब कैसे हुआ, चला कहाँ पे गया, कौन है उनकी मम्मी? आप हैं? बच्चा आपका कब कहाँ चला गया, कैसे कुछ? 3 बजे के बाद भैया गई ने, सब यहीं सुतल लाए, वो सुतल लाने 3 बजे के बाद भैया कब निकल गई ने, कहाँ निकल गई ने, कुछ पता ना भैया, कौनो बातचीत ना भई ला भैया ने, कौनो झगड़ा ने कचाई ने कुछ ने कुछ, कहाँ निकल के चल गई ने नायक को पता भैया, 24 घंटा दिन और आई गेल कौनो खबरिया ना मिले भैया भैया। तो जी रोइए मत, देखिए हम लोग तो यही चाहेंगे इसलिए आए हैं कि आपका बच्चा मिल जाए। अरे भैया 24 घंटा दिन और आई गेल, कत तो कुछ ना पता चलती है कि हमार भैया कहाँ है नो भैया। अच्छा, ढूंढने के लिए कुछ लोग निकले हुए हैं शायद? 4 लोग निकले हैं भैया। कुछ बता रहे हैं वो लोग, शायद कुछ पता चला कि लखनऊ कानपुर ऐसा कुछ बता रहे हैं? झांसी तक पता चलल भैया, वहीं से कुछ पता ना चलती है कौन रास्ता, कहाँ गई ने कहाँ ना गई ने। अच्छा, कोई घर पे विवाद उवाद नहीं किए थे, झगड़ा झंझट? नहीं भैया कुछ नहीं, कौनो बात ना बैल के भैया, कमरे ठक के लेके कहाँ से निकाल लाले कैसे, हमरे ना समझ में आवत भैया। अब इन पढ़त रहना नौ में भैया, कौनो अथुआ ना रहा भैया कुपरा। अच्छा, पुलिस का करे इस बारे में कुछ? कुछ ना भैया, यहाँ तक पुलिस देखे ना आई ने, कैसे लड़का गयल कहाँ, लड़का गयल कहाँ ना, 24 घंटा कथका हो गया कौनो पता ना चलल भैया, क्यों यहाँ तक देखे ना आयला। अच्छा, ये बता रहे हैं शायद कि वो बताकर यहाँ से कुछ पेपर ऊपर लिख कर गए थे कि हम लौटेंगे 10 दिन बाद, ऐसा कुछ है? बुआ भैया लिख के गए लाने कि लौटी है कि ना लौटी है, अब कैसे बताई भैया, जब 24 घंटा के दिन और आई गेल कत्तो ने फोन ने पता ही ने कुछ, कैसे कही हम लौटी हैं। अब ना समझ में आओ तो भैया हमार कितना दुनिया कहाँ गई ने कहाँ ना गई ने। कबो रिश्तेदारी ना जाए कहा था ने, कबो जलालपुर ना देखे रहने भैया, कहाँ निकल गई ने, अब के लेके जात है ना समझ में आओ तो भैया। चलिए, परिवार के कुछ और लोग हैं जो उस बच्चे के पिता हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ उस बच्चे ने लिख कर गया। आप गांव की महिलाएं देख लीजिए कि गांव की महिलाएं अगर यहां पर बैठी हुई हैं, कुछ महिलाएं, इनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। गाँव से हैं आप इनके? नहीं बाबू, हम चाची हैं उनके। चाची हैं? हाँ। कहाँ चला गया बच्चा आपका, कैसे पता लग गया? चला गया, नहीं कुछ नहीं, यही सोए थे हम लोग, मालूम नहीं कब चलेंगे उठ के। पुलिस वुलिस नहीं अभी आई आप लोग? कुछ नहीं आई अभी तक, कल दरखास्त दिया है, कोई नहीं है। अच्छा, वहाँ पे गए थे तो कुछ पुलिस ने कुछ कहा होगा कि भाई कुछ ढूंढेंगे? दीवार नहीं थे, दरोगा नहीं थे वहाँ, कोई नहीं था कल, इसीलिए नहीं आए, दरखास्त दिए थे कि शाम का आना, शाम के गए, शाम के भी नहीं आए वो लोग, इस टाइम गए थे, अब देखो कब आएंगे। परिवार का पूरे तरीके से देख सकते हैं आपकी, रो रो कर बुरा हाल है इनका और ये गुहार लगा रहे हैं प्रशासन के सामने और लोगों से कि भाई अगर इनका बच्चा कहीं पे भी नज़र आए तो आप लोग सूचित ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो बच्चा शायद
घर से ये चीज़ें बताकर निकला है पेपर के जरिए, कभी कुछ लिख उख कर कि मैं आऊँगा 10 दिन के बाद, लेकिन फिर भी परिवार के लोग परेशान हैं कि आखिर कहाँ चला गया, क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहा, उस बच्चे से बातचीत नहीं कुछ हो पा रही है। जहाँ भी लग रहा है कि बच्चा गया हुआ है, लखनऊ कानपुर कहीं पर भी किसी के जरिए सूचना मिल रही है, तो वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं अभी शायद, परिवार के लोग झांसी गए हुए हैं। ये उस बच्चे के पिता हैं, इनसे मैं कुछ बात करना चाहूँगा। आपका क्या नाम था आपके बच्चे का? हमारे बच्चे का नाम करण था। करण कल सुबह से गायब है? कल सुबह 3 बजे, 3:30 बजे। 3:30 बजे क्या कह रहे थे कि पेपर ऊपर में कुछ लिख कर गया है कैसे? हाँ, पेपर में लिख के गया है कि अम्मा मैं यहाँ से जा रहा हूँ बहुत दूर, दूर जाने के बाद मेरे पास 25 रुपए हैं, लेकिन लेके गया 2500 रुपए, कुछ हमारे जेब से, कुछ अपने भाई के जेब से, कुछ हमारे पिताजी दादा हैं उनकी जेब से लेके गया 2500 या 3000 जो भी लेके गया हो। लेके जा रहा हूँ खाने पीने के लिए इतना, आप लोग सुरक्षित, और मैं किसी से कुछ बता के भी नहीं जा रहा हूँ, न किसी को बताऊँगा, यही सब लिखा था। अच्छा, हाँ। तो फिर आपने पुलिस में तहरीर दिया इसके? पुलिस पे हाँ कल तहरीर दिए थे, तो कल असल में केशव मौर्य आए थे अम्बेडकर नगर, तो वहाँ पूरा थाना बिजी था, तहरीर दे के हमने चले आए थे। उसके बाद फिर शाम को गए तो वहाँ थाने पर कोई था ही नहीं। तो आज गए थे आप? हाँ आज गए हैं, तो पूरा मुकदमा नंबर रिपोर्ट सब कुछ एफ आई आर हाँ, वो बोले सर्विलांस पे लगा भी दिए हैं, चल भी रहा, अभी जा रहे हैं फिर थाने वहाँ अम्बेडकर नगर जिला पे, वहाँ पे लगाएंगे, ये सब रिपोर्ट दिए हैं। देखिए FIR तो हो चुका है ऑलरेडी, हो चुका है। और अच्छा, बच्चे का फोटो है आपके? हाँ, बच्चे फोटो आप दे दीजिएगा और मैं फ़ोटो दूंगा वीडियो में आप लोगों को, अगर बच्चा कहीं भी नज़र आए, क्योंकि जहाँ भी अगर उनको लग रहा था, लेकिन अब संपर्क नहीं हो पा रहा, उनको अगर किसी जरिए पता चल रहा था कि लखनऊ कानपुर वो लोग झांसी पहुँचे हुए हैं, लेकिन अब उनसे कहीं से पता कुछ नहीं चल पा रहा है। मैं बच्चे का फ़ोटो दूंगा आप लोगों को, अगर कहीं भी वो बच्चा नज़र आएगा तो आप लोग ज़रूर सूचना दीजिएगा। आप नंबर बता दीजिए अपना। 9848-64-42-43 जी, इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर ये इस नंबर पर फ़ोन ना लगे, दूसरा नंबर 8934 वाला है, उसमें आपके पास क्या है? 8934-81-81-31 हाँ, 81-81-31 ये दो नंबर हैं इस परिवार के। इस अगर आपको कहीं भी ये बच्चा नज़र आए, देखने को मिले, तो आप इस नंबर पर सूचित ज़रूर करिए। अगर नंबर पे फ़ोन ना लगे तो आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं, पुलिस के द्वारा आप ये पता चल जाएगा कि आखिर ये बच्चा नेवादा का है, फिर परिवार को मिल सकता है। मैं यही चाहूँगा आप लोगों से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस परिवार की मदद हो सके। आप परिवार की हाल देख रहे हैं कि परिवार का क्या हाल हो चुका है। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर बच्चा कहीं भी दिखे तो आप इनके नंबर पर संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।